हेलो बच्चों, आज क्लास 12th कैपेसिटर, एक कैपेसिटेंस संधारित्र एक टॉपिक था, एक चैप्टर है। इसका एक टॉपिक है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आवेशी संधारित्र प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। जरा समझिएगा, अगर आपको थोड़ा कैपेसिटर की थोड़ा नॉलेज हो, इसके पहले का टॉपिक है उसको हम लिंक में दे देंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा लिंक उसका, और उसको ध्यान से देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। हमने माना एक कैपेसिटर लिया, इसकी दो प्लेट होती हैं, हमने इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, ये प्लस पूरी प्लेट में हो जाता है, और दूसरी प्लेट जो इसमें रखी हुई है उसमें माइनस क्यू चार्ज अपने आप हो जाता है, इंडक्शन के द्वारा माइनस क्यू चार्ज हो जाता है, और इसके बीच हमने कहा बल कितना लग रहा है, डिस्टेंस इसकी डी है। तो अब सिंपल सी बात है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और हम चाहते हैं इसके नजदीक ना आए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मान ले, पहले आप लिखेंगे सपोज एक्स एंड वाई आर टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द एक्स प्लेट एंड बाय इंडक्शन प्रेरण के द्वारा माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। अगर मान लें कि इफ एफ, पहले डायग्राम वाले हम लिखेंगे, इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स, यदि दोनों प्लेटों के बीच में एफ बल कार्य कर रहा हो, क्यों बल कार्य कर रहा है भाई, क्यों फोर्स कार्य कर रहा है, ये प्लेट को घसीट रहा अपने तरफ, ठीक है, और हम चाहते वही रखे रहो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो द वर्क डन, और आप चाहते प्लेट यहां से यहां तक रख दी जाए, तो द वर्क डन हम पहले मान लेते हैं कि ये दोनों बहुत 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 क्लोज है, टच नहीं कर रहे हैं, बहुत क्लोज थे जीरो डिस्टेंस पर, और जीरो डिस्टेंस से हमने डी डिस्टेंस पे इसको लेके रखेंगे। तो द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द प्लेट्स फ्रॉम डिस्टेंस जीरो टू डी, मतलब जीरो डिस्टेंस से डी डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि ये अटेंड कर रही है और हम इनको दूर जाकर के सेपरेट करके रख रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब जीरो डिस्टेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव को टच करा दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, हम टच नहीं करा रहे, वेरी क्लोज टू इच अदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क कितना किया, W इज इक्वल टू एफ इन टू डी, फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क होता है ना, ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, वैद्युत या केवल लिख दो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने प्रूफ किया है हाफ क्यू वी। तो यू इज इक्वल टू, इसको यू बनाएंगे, ये वी नहीं है, हाफ क्यू इन टू वी, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी होता है, एज वी इज इक्वल टू हमने प्रूफ किया है ई इंटू डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सब आप प्रूफ कर चुके हैं इसके पहले चैप्टर में। सो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ई इंटू डी इंटू वी। जरा देखिए, आप कह रहे हो हमने इतना वर्क किया, हमने कहा यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, यानी कि दोनों चीजें सेम होगी, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, काम खत्म, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, बस इक्वेट कर दो, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बताया जा रहा है, केवल इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक और दो को बराबर करने पर, तो ये क्या आएगा, एफ इन टू डी इज इक्वल टू हाफ ई इन टू डी इन टू वी, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू हाफ ई इंटू वी। एक सेकेंड, एक गलती हो गई इसमें,
हमने V की वैल्यू रखी है, तो V की वैल्यू रखी है E into D, और ये Q होगा यहां पर ना, यहां पर Q आएगा, तो ये हाफ E into D into Q, हाफ E into D into Q, तो हाफ Q into E, ये आपका फॉर्मूला फोर्स का निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा बस। अब आते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, अगला टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, और इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी थोड़ा सा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण। जरा समझने की कोशिश करिएगा, जब कूलाम का नियम, अच्छा इसलिए कैपेसिटर के लिए भी हो सकता है, संधारित्र के लिए भी हो सकता है, और किसी कंडक्टर के लिए हो सकता है, यानी आप चार्जेस फॉर कंडक्टर्स कहिए, आप कंडक्टर्स कहिए, या फॉर कैपेसिटर्स कहिए, कैपेसिटर्स यानी इसको आप चालक के लिए बात करिए या आप इसको संधारित्र के लिए बात करिए, बात बराबर है। देखिए अगर आप दो चार्जेस को, दो कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं तो होता क्या, आपने बताया था कि जब आप चार्ज करते हैं उसका पोटेंशियल राइज होता है, उसका विभव बढ़ता है, और एक पोजिशन तक उसको आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो कंडक्टर्स लिए या दो कैपेसिटर लिए, दो आप कर सकते हैं, आप कंडक्टर लेने के लिए देखिए ये डायग्राम बना सकते हैं, एक ये कंडक्टर ले सकते हैं, एक ये कंडक्टर ले सकते हैं, एक कंडक्टर ए, एक कंडक्टर ए बी, आपने इसको प्लस क्यू वन चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल वी वन हो गया, इसका कैपेसिटेंस सी वन था, इसको क्यू टू चार्ज दिया, प्लस माइनस भी हो सकता है, इसका पोटेंशियल वी टू है, इसका कैपेसिटेंस सी टू है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, अगर एग्जाम में कंडक्टर आता है तो ये बनाएंगे, अगर कैपेसिटर आता है तो आपने ये कैपेसिटर लिया, इसका कैपेसिटेंस सी वन था, इसको प्लस क्यू वन चार्ज दिया, इसमें माइनस क्यू वन हो गया, इसका पोटेंशियल वी वन हो गया, ये भी पोटेंशियल इसका वी वन है। दूसरा कैपेसिटर ये लिया आपने, इसमें प्लस क्यू टू लिया, ये माइनस क्यू टू हो गया, इसका सी टू है, और इसको हमने बाद में जोड़ दिया, इसको भी हमने बाद में जोड़ दिया। तो अगर कंडक्टर कहे तो ये डायग्राम बनाइएगा, मेथड इज द सेम, अगर कैपेसिटर कहे तो ये डायग्राम बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा डायग्राम का थोड़ा फर्क है। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, पहले कंडक्टर को प्लस क्यू वन चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल वी वन हो गया और कैपेसिटर सी वन हो गया, ये चार्ज है, आवेश है, ये विभव है, ये धारिता है। तो क्यू वन इज इक्वल टू क्या होगा, सी वन इंटू वी वन, और क्यू टू इज इक्वल टू क्या होगा, सी टू इंटू वी टू, यही तो आएगा। अब इसको आपने कनेक्ट कर दिया, जब कूलाम्स लॉ आपको पढ़ाया जाता था वहां एक न्यूमेरिकल था कि अगर दो कंडक्टर अलग अलग चार्ज के हैं और उनको आपस में टच करा दीजिए तो बताया गया कि चार्ज आपस में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे तब तक जब तक कि दोनों में चार्ज समान ना हो जाए, ये वहां बताया गया। जरा समझिएगा, एक चार्ज Q1 होल्ड कर सकता है, एक चार्ज Q2 होल्ड कर सकता है, और दोनों को आप कह रहे हो कि जब तक दोनों के आवेश बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। अरे भाई, किसी कोई टिफिन दो रोटी खाता है, कोई बारह रोटी खाता है, और आप दोनों के टिफिन को मिला दीजिए, हो गई चौदह रोटी, आधी आधी बांट दीजिए, सात सात बांट दीजिए, और जो दो खाता है उसको सात खिला दीजिए, सात दिन स्कूल नहीं आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो ऐसा नहीं है कि चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि आधा नहीं बढ़ सकता, क्यों भाई, इसकी कैपेसिटी है वो उतनी होनी चाहिए ना। दो रोटी खाने वाले को सात रोटी खिलाए दे रहे हो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसको, सात दिन एडमिट रहेगा अस्पताल में, दो दिन डिप चढ़ेगी उसको। तो ये कब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्टिंग उनको हमने कनेक्ट किया तो उन दोनों में चार्ज ट्रांसफर होना शुरू किया। तो हमने मान लिया कि लेट वी इज द कॉमन पोटेंशियल। अब देखो कनेक्टिंग, ये सब बहुत हिंदी वर्ड बहुत टफ नहीं है, इसलिए मैं बहुत हिंदी इसमें नहीं यूज कर रहा हूं,
वी इज द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ये उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव मतलब जब हमने कनेक्ट किया तो इनका पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा। अब कॉमन पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, देखिए कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू भाई V बराबर Q अपान C होगा। आपने दोनों को जोड़ा है तो टोटल चार्ज, चार्ज तो ही रहेगा, टोटल चार्ज टोटल आवेश अपान टोटल कैपेसिटेंस, टोटल धारिता, कैपेसिटेंस टोटल आवेश अपान टोटल धारिता, कुल आवेश ये हो जाएगा, कुल आवेश ये आवेश है टोटल जानते हैं और ये धारिता है, धारिता है। टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, और टोटल कितना है C1 प्लस C2, और Q1 इज इक्वल टू क्या है C1 V1, और Q2 इज इक्वल टू क्या है C2 V2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये कंडक्टर्स हमने जोड़े थे, कंडक्टर बोलो या कैपेसिटर बोलो जैसा वहां पर लैंग्वेज हो वही भाषा आप यूज करिएगा। ये हमने कंडक्टर्स जोड़े थे, ये जोड़े थे, और जब जोड़ दिया था आपस में तो इसका चार्ज अब हो गया Q1 डैश और इसका चार्ज हो गया Q2 डैश, और दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया V। तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, ये इसको कहते हैं पुनर्वितरण, पुनर्वितरण के बाद पहले का चार्ज, चार्ज ऑफ ए, चार्ज ऑन ए हमने क्या माना Q1 डैश बराबर C1 V नॉट V1, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का कैसा हो गया है, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, और Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान C2। आपने क्या देखा कि जो पुनर्वितरित आवेश है, रिडिस्ट्रीब्यूटर चार्ज है, वो उनकी कैपेसिटी के रेशियो में होता है, जिस हिसाब से उनकी कैपेसिटी होगी, धारिता होगी, चार्ज धारण करने की क्षमता होगी, उसी रेशियो में वो पुनर्वितरित करेंगे। ऐसा नहीं सात रोटी खा जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया बनी हो पनीर वनीर उसमें लगा हो तो खा गए, बाद में देखा जाएगा हाजमोला वगैरह खा लेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल ऐसा इसमें नहीं होता है, नेचर में ऐसा नहीं होता है, वो नेचर अपने हिसाब से काम करता है। तो ये आपका रिडिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। अब अगर आपसे कहा जाए कितना रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ न्यूमेरिकल में, भाई पहले इसका चार्ज Q1 था, अब Q1 डैश हो गया, घट गया या बढ़ गया, हो सकता है ज्यादा था कम हो गया, दोनों को डिफरेंस निकाल लो माइनस कर दो, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये निकल आएगा। तो आपने क्या देखा कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस ऑन टू कंडक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, जो आवेशों का पुनर्वितरण के बाद उनमें जो आवेश का अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है तो एनर्जी में लॉस होता है, ऊर्जा में कमी आती है, कितनी आती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ह्रास माने कमी। जरा समझिएगा, अभी डायग्राम बना चुके हैं हम, देखिए दो कंडक्टर थे, ये कंडक्टर है, फिलहाल बना दे रहे हैं,
ये दो कंडक्टर हैं, इसका चार्ज प्लस Q1 था, कैपेसिटी C1 थी, पोटेंशियल V1 था, ये Q2 था, C2 था और V2 था। इसको पहले हम करेंगे कनेक्ट करने के पहले, बिफोर कनेक्टिंग, बिफोर कनेक्टिंग जोड़ने के पहले। अब कनेक्टिंग का मतलब जोड़ना होता है, ये आप जानते हैं, मोबाइल में कनेक्टर यूज करते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं आप, इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूं। बिफोर कनेक्टिंग उनकी एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ाया आपने, तो यू वन इज इक्वल टू पहले की हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर कनेक्ट करने के पहले। अब मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, हमने कहा चार्ज जाना शुरू कर देते हैं पोटेंशियल के हिसाब से, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल या लो टू हाई, आपको पढ़ाया गया है। देखिए ध्यान से, बहने वाली चीज हमेशा ऊपर से नीचे जाती है, बहने वाली चीज करंट बहती है, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, करंट बहती है हाई से लो जाती है, करंट किधर बहती है, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट बहती है, जिधर नेगेटिव चार्ज चलते हैं उसके अपोजिट बहती है और जिधर पॉजिटिव चलते हैं उसके तरफ बहती है। तो करंट हाई से लो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज हाई से लो जाता है और नेगेटिव लो से हाई चलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, यहां उससे मतलब नहीं है। अब चार्ज बहना शुरू हो गए कब तक, जब तक कि इनका कॉमन पोटेंशियल वी ना हो जाए। तो आफ्टर कनेक्टिंग क्या है, कैपेसिटी तो नहीं चेंज हुई, हमारे खाने की क्षमता दो रोटी थी वही थी, टिफिन मिला दो तब भी ना मिला दो तब भी, लेकिन पोटेंशियल सेम हो गया। तो आफ्टर कनेक्टिंग जोड़ने के बाद में क्या हुआ, आफ्टर कनेक्टिंग उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू टू हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर, यानी हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले v की वैल्यू हम बता चुके हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, तो U2 इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ C1 प्लस C2, ये हमने क्या बताया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, जब इसका होल स्क्वायर इस पे चढ़ाओगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा, आप मैथमेटिक है यहां पर, तो आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। ये हो गया कनेक्ट करने के बाद में एनर्जी। आपने हेडिंग दी है एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस का मतलब होता है पहले एनर्जी ज्यादा रही होगी, तो जब एनर्जी लॉस निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास, डेल्टा यू मान लिया, तो पहली वाली ऊर्जा में दूसरी वाली एनर्जी माइनस कर दो। बस ये जरा कैलकुलेशन लंबी है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए एक सेकंड, जरा इसको रिचार्ज कर लें, इसको भी चार्ज चाहिए, तब तक इसको अपने आप करिए, आप वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको कर लीजिए। देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू पहले की एनर्जी कितनी है, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस, ये माइनस करिए, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपान टू सी वन प्लस C2, ये एक जगह लिख दीजिए। अब जरा समझिएगा एलसीएम लेकर के इसको कैलकुलेट करने का कंडीशन। देखो ऐसा करते हैं, हाफ तो काम ले लेते हैं, ये बाहर हो गया, ठीक, इस पूरे के अपान में वन है, हाफ से मतलब नहीं वो बाहर हो गया है, इसमें C1 प्लस C2 है, तो C1 प्लस C2 एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके बाहर ही लिख दो इसको उठा करके, तो इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस
C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2। अब ब्रैकेट खोलते हैं, C1 को अंदर ले जाते हैं, तो क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दीजिए और माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। देखिए ध्यान से, 1/2 C1 प्लस C2 ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इन तीनों में से C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 हमने कॉमन ले लिया, C1 C2 कॉमन ले लिया, यहां आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ऊपर हो गया C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस हो गई। अब जरा समझिएगा, एनर्जी लॉस ही होगी ये आपको कैसे मालूम? भाई हमने कहा किसी की पोटेंशियल ज्यादा है, तो जरा समझिएगा, हमने लॉस माना है, हमने पहले वाली एनर्जी ज्यादा मानी है, अगर पहले वाली कम होती तो माइनस करने पर नेगेटिव वैल्यू आती। जरा सावधान, ये C1 C2 है, किसी की कैपेसिटी किसी की क्षमता नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने कहा मेरी क्षमता नेगेटिव है, कैसे? हम दो रोटी रोज निकालते हैं, कहां से निकालोगे भैया? आप नहीं खाओगे एको रोटी, वो बात अलग की बात है। कोई कंडक्टर एक भी चार्ज नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन चार्ज निकालेगा थोड़ी ना, तो ये तो निगेटिव हो नहीं सकती। अब बात रही इसकी, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, तो आप देख रहे हैं कि एज डेल्टा यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो देयर विल बी लॉस, क्योंकि आपने पहली वैल्यू ज्यादा मानी है और दोनों को माइनस किया है, तो आपके हिसाब से निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, तो यानी यहां पर लॉस ही होगा। अब एनर्जी लॉस कैसे होगा? भाई दोनों कंडक्टर को जोड़ोगे तार के माध्यम से, तार का अपना रेजिस्टेंस है, अपना प्रतिरोध है, तो उससे हीट क्रिएट होगी, हीट कहां से आएगी? एनर्जी उसी, हीट एनर्जी है ना, तो वो कहीं वहीं से तो लेगा, तो उसी चार्ज ट्रांसफर करने से ले लेगा। आप जोड़ोगे तो स्पार्किंग हो सकती है, स्पार्किंग से थोड़ी बहुत साउंड उसमें होगी, जैसे कहीं जोड़ दो चट चट की आवाज आती है, तो साउंड एनर्जी कहां से जाएगी? वो यहीं से आएगी, तो इसका जोड़ने के बाद में साउंड आ सकती है, क्रैकलिंग की आवाज आ सकती है, चटचट की आवाज आ सकती है, हीट क्रिएट हो सकती है रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये एनर्जी कहां से आएगी? उसमें जो पहले से स्टोर्ड थी, यानी अल्टीमेटली जोड़ने के बाद एनर्जी में लॉस होगा। तो ये कैपेसिटर का चैप्टर है, हमने लगभग पूरा कंप्लीट करा दिया है, सो कर लीजिएगा आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।